हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि, डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। क्या होता है लिमिट पॉइंट, वो हम देखेंगे और साथ साथ उसके कुछ रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। सो इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस देयर व्हाट इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होता है सीक्वेंस के लिए, तो वो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, इससे पहले जो है हमने लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं कि सेट का जब लिमिट पॉइंट निकाले तो कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है सीक्वेंस के बारे में। तो मान लेते हैं कि चलिए आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। लेट ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस, और हम यहाँ पे बात करें रियल सीक्वेंस के बारे में, तो जो टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो लेट ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड पी इज सेड टू बी, पी जो है वो लिमिट पॉइंट होगा, इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट, इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स contains infinite terms of sequence an। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं p जो है हमारा पॉइंट वो लिमिट पॉइंट बनेगा, कब बनेगा भाई, जब मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊ, ठीक है, कोई भी नेबरहुड बनाता हूँ p का कोई भी, तो उसमें कितनी टर्म्स होने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मतलब हुआ कि इफ There exist neighborhood of P contains finite point, या फिर हम बोल सकते finite terms of sequence an, then P जो है वो limit point नहीं होगा, is not limit point, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, इसका जो ये हमारी definition है उसका अगर मैंने क्या किया, सिर्फ operation क्या है, bifurcation क्या है, उसको descriptive में समझा है कि क्या कहना चाह रही। तो हमारा जो sequence है an, अब मान लीजिए, और P जो है वो limit point होगा जब every neighborhood of P infinite term होने चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक neighborhood आपको मिल रहा है जिसमें सिर्फ finite terms है, तो उसका मतलब होगा कि P जो है वो आपका limit point नहीं होगा, ठीक है, वो मिल गया। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स के बारे में। मान लीजिए कि अगर मेरे सीक्वेंस है वो है -1 to the power n, ठीक है, मेरी जो सीक्वेंस है वो है -1 to the power n, तो ये जो सीक्वेंस होती है वो -1 plus 1 -1 plus 1 एंड सो ऑन होती है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे रियल लाइन पे एग्जिस्ट देखूँ तो यहाँ पे कहीं माइनस वन आएगा, कहीं पे जीरो आएगा और कहीं पे वन आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं पे जीरो है मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस वन जो है लिया और उसके अराउंड एक नेबरहुड किया कि नेबरहुड क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी लेक्चर्स बनाए हुए देख लीजिएगा आप वहाँ से। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिंपली कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें नेबरहुड जो होता है वो हमारा ओपन सेट होता है, ठीक है। तो ओपन सेट यानी कि ओपन इंटरवल होता है, तो मैंने यहाँ पे एक इंटरवल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने एक इंटरवल ले लिया तो उसमें जो है ये सिक्वेंस के कितने टर्म्स आ रहे हैं भाई, इसमें तो यहाँ पे माइनस वन सारे जो और टर्म्स हो गए सिक्वेंस के सारे अगर मैं माइनस वन का कोई भी नेबरहुड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इतना छोटा सा भी ले लूँ, यहाँ पे इतना सा भी ले लो, ठीक है, कोई भी अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए मैं माइनस वन माइनस एप्सिलॉन और माइनस वन प्लस एप्सिलॉन के बीच में वन तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम नेबरहुड अगर वन का बना रहे तो उसमें वन तो आएगा ही आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है, माइनस वन तो आएगा ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस वन के हर एक नेबरहुड में माइनस वन आ रहा है, और माइनस वन कितनी बार है यहाँ पे सीक्वेंस के हर वर्ड टर्म्स में माइनस वन है, दैट मीन्स माइनस वन इनफाइनाइट बार है। तो यहाँ पे पता चला कि माइनस वन जो है वो क्या है, आपका लिमिट पॉइंट है। दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए तो और कौन हो सकता है, देखिए जीरो आ रहा है, जीरो अगर सिर्फ मैं यहाँ पे समझने के लिए रहा हूँ, अगर जीरो का मैं एक नेबरहुड बनाता हूँ ये वाला बहुत छोटा छोटा है समझ लीजिए, अगर यहाँ पे जीरो का नेबरहुड बनाता हूँ तो भी क्या होगा कि भाई वहाँ पे सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं आया, तो उसका मतलब जीरो जो है वो नेबरहुड नहीं है। फिर हम बात करते हैं वन की, तो वन के लिए जैसे भी हम यहाँ पे माइनस वन के लिए डिस्कस किया तो सारे जो इवन नंबर होंगे वो यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है, वन के हर एक नेबरहुड में वन तो आएगा, और वन जो है वो सीक्वेंस के इवन टर्म्स पे है, दैट मीन्स वो जो है इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन कर रहा है वन का नेबरहुड। तो उसका मतलब हुआ कि जो माइनस वन और वन जो है वो क्या है, आपके लिमिट पॉइंट है जो सीक्वेंस है आपकी माइनस वन टू द पावर एन के लिए, ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है।
अब देखते हैं कि भाई लिमिट पॉइंट जो है आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए मेरे पास दो टूल्स है। जो फर्स्ट टूल्स है वो है आप निकालिए रेंज ऑफ जो सीक्वेंस होता है, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, वो निकाली। जो मेरा सेकंड जो है वो उसको मैं रिप्रेजेंट करके निकाल सकता हूँ, जैसे हमने किया है रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। और जो मेरा थर्ड टूल है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपके पास जो है रेंज सेट अगर फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, रेंज सेट जो अगर फाइनाइट आ रहा है तो आप वहां से निकाल सकते हैं कि जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है। और अगर मैं यहाँ पे रेंज सेट का लिमिट पॉइंट निकालूँ, ठीक है, रेंज सेट निकालिए, ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस निकाला, उससे अगर क्या आ रहा है आपका जो रेंज सेट है उसका आप लिमिट पॉइंट देखिए कि उसके पास लिमिट पॉइंट है या नहीं। और दूसरा जो है अगर वो फाइनाइट आ रहा है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। फाइनाइट आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं कि वहां से भी लिमिट पॉइंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे मेरी जो सीक्वेंस थी -1 to the power n, उसके लिए अगर मैं देखूँ तो -1 to the power n सीक्वेंस होती है, तो उसके लिए जो मेरा रेंज सेट होता है वो क्या होता है, वो होता है -1 n+1, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब कि अगर आपका रेंज सेट फाइनाइट है, ठीक है, मैंने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है, पर सीक्वेंस जो है वो कैसे इनफाइनाइट है, दैट मीन उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो रेंज सेट ऑफ हमारे पास यहाँ पे आ गया -1 n+1, तो उसका मतलब क्या होगा कि -1 जो है वो इनफाइनाइट बार आ रहा होगा सीक्वेंस में, और जो +1 है वो भी कितनी बार आ रहा होगा, इनफाइनाइट बार आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो आता ही होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस 0 1 है, फिर 3 है, और फिर मैंने बनाया 3 3 3 3, ऐसे सीक्वेंस बने, तो उसका जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा, 0 1 n 3 होगा। पर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके सारे जो टर्म्स है वो लिमिट पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 का लेकर एक नेबरहुड बनाता हूँ तो उसमें सिर्फ 0 ही आ रहा है, उसका मतलब कि एक ही पॉइंट आ रहा है, तो उसका मतलब 0 जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ऐसा सेम टू सेम 1 के लिए, पर जो हमारा 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसका मतलब कि 3 जो है वो लिमिट पॉइंट होगा। तो जो रेंज सेट आपके पास मिलता है उससे आप एक अंदाजा लगा सकता है, अनुमान कर सकते हैं कि आपका जो है लिमिट पॉइंट क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे, एक और जो डेफिनेशन है या फिर रिजल्ट्स भी कह सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो मैंने जैसे कहा कि रेंज सेट जो है उससे भी आप लिमिट पॉइंट निकाल सकते हैं, तो मेरी जो फर्स्ट जो यहाँ से प्रॉपर्टी है या फिर रिजल्ट्स है वो मैंने लिखा कि लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। आपकी जो रेंज सेट होता है उसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, आपके सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो सीक्वेंस है वो है 1/n, ठीक है, ये जो है आपकी सीक्वेंस है, तो उसका अगर आप सेट निकालें तो क्या आएगा, 1 1/2 1/3 1/4 n, आएगा। ये जो क्या होगी आपकी, ये जो हो जाएगी आपकी, हो जाएगी रेंज सेट, हो जाएगा सीक्वेंस an के लिए, ठीक है, रेंज सेट ऑफ an। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो रेंज सेट हो गया, फिर उसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा। इसके लिए मैंने देखा कि लिमिट पॉइंट क्या था, हमने जो सेट के लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमने देखा कि इसका अगर ये जो है यहाँ कहीं पे 1 है और यहाँ कहीं पे 0 है, सारे टर्म जो है यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ कहीं पे 1/2 होगा, यहाँ 1/3, एंड जो सारे टर्म्स है वो 0 के बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो मैं 0 का अगर कोई भी नेबरहुड बनाता हूँ तो वहाँ पे मुझे इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 0 है, ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या है, 0। उसका मतलब कि अगर आप रेंज सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाए, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस हो जाए। तो जो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस जो है वो इंप्लाइज नहीं करता है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास जो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, एक सीक्वेंस है मेरे पास, मान लीजिए मेरे है -1 to the power n, उसका जो लिमिट पॉइंट कौन सा है, -1 और +1 है, और मैंने लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, तो या इसका अगर मैं रेंज सेट निकालूं तो वो मेरे पास क्या आता है, -1 और +1 आता है, ये तो कैसा है, फाइनाइट है, तो उसके पास तो लिमिट पॉइंट ही नहीं होगा। इसका मतलब कि इसके जो रेंज सेट है उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज डज नॉट इंप्लाइज लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज सेट, बट जो लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट होता है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। अब जो दूसरी बात थी कि भाई आपका
आपके पास अगर जो मैंने कहा था कि रियल लाइन पे एक्सप्रेस करके भी आप लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक बीएनडब्ल्यू प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि बीएनडब्ल्यू प्रॉपर्टी क्या है। सो एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट। ये जो था हमारे पास सेट के लिए ये है, यही प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, कैसे भाई? अगर आपके पास सीक्वेंस जो है आपके ऐसे बाउंडेड सीक्वेंस जो बाउंडेड है दैट मीन्स कि जो रेंज होगी वो इनफाइनाइट होगी या तो फिर फाइनाइट होगी, ठीक है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड तो आपको उसका जो रेंज सेट निकाल सकते हैं, तो उसका अगर रेंज सेट होगा तो वो क्या हो सकता है, यहाँ से देखा जाए तो उसका जो रेंज सेट होगा वो देखा जाए तो वो आइदर फाइनाइट हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो रेंज सेट जो है उसका लिमिट पॉइंट निकालिए, ये जो रेंज सेट है आपका उसका लिमिट पॉइंट जो होगा वही क्या होगा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड हो जाएगा। अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट एज अ लिमिट पॉइंट, दैट मीन्स रेंज सेट जो होगा उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। और जैसा कि हमने देखा कि रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो है आपका सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। नाउ मान लीजिए कि अगर आपका जो रेंज सेट है वो फाइनाइट हो रहा है, दैट मीन्स कि कोई टर्म्स होगा देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू आर जो कि रेंज सेट में है, वो जो है वो क्या हो रहा होगा, इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा होगा, तभी वो है आपके रेंज सेट में फाइनाइट है वो टर्म्स है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं रेंज सेट के बारे में। दूसरा कि अगर आपका जो है रियल नंबर, मान लीजिए कि अल्फा जो है वो लिमिट पॉइंट है, ठीक है। ये जो है यहाँ से हमारे इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे, तो लास्ट जो है वो देख लीजिए। लिमिट पॉइंट है अगर आपका अल्फा, तो वो जो आपका रेंज सेट है उसमें या तो इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा होगा या फिर वो जो है रेंज सेट का क्या हो रहा होगा, लिमिट पॉइंट, रेंज सेट लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट, ठीक है। वो दोनों में से कोई एक ना एक प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। तो आफ्टर ऑल जो आपको अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर मुझे सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना है तो मैं उसका रेंज सेट निकालूंगा या फिर उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। रेंज सेट फाइनाइट आ रहा है, कौन से टर्म्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं वो मैं देखूंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि रेंज सेट फाइनाइट हो रहा है तो जो रेंज सेट में सारे एलिमेंट जो टर्म्स आ रहे हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पर आप देख सकते हैं कि रेंज सेट में टर्म्स जो है वो कितनी, जो कौन सा टर्म इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। दूसरा जो है कि अगर आपकी रेंज सेट इनफाइनाइट आ रही है तो आप रेंज सेट का लिमिट पॉइंट निकालिए और वहां से देख सकते हैं कि वो जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, देखते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है और कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में ऐसे किसी टॉपिक के साथ।